विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान कुंभ में उपस्थित तपोमूर्ति षटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज आज के धर्म संदेश प्रदान किए हुए नूल बृहन मठ के षटस्थल ब्रह्मा गुरु सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी संपूर्ण चातुर्मास का अतिशय सुंदर सूत्र संचालन कर रहे बारसी दहिवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्मा गुरु सिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण श्रीपीठ के सेवक वर्ग और यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास में लिंगैक्य जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के बारे में हम लोग चिंतन करते जा रहे हैं। भगवान शिव के जितने भी कृत्य है, पंच कृत्य हम जो कहते हैं, वो सभी उनके लीलाएं हैं। सृष्टि करता है वो भी उनकी लीला है। सभी जीवों को पालन करता है वह भी उसकी लीला है। प्रारब्ध समाप्त होने पर उनका अंत भी कर देता है यह भी उनकी लीला है। दुष्टों के ऊपर निग्रह करता है वह भी उनकी लीला है और सज्जनों के ऊपर अनुग्रह करता है वह भी उनकी लीला है। लीला का अर्थ जो है परिश्रम के बिना सहज खेलते खेलते जो कार्य हो जाता है उसका नाम लीला है। अर्थात भगवान के पंच कृत्यों को लीला कहने का उद्देश्य इतना ही है। इतने बड़ी सृष्टि को इसमें आने वाले सभी जीव जंतुओं को उनके समय के अनुसार जन्म देना, उनको पानी आहार दे करके रक्षा करना, संहार करना, निग्रह अनुग्रह करना, किसी प्रकार का उनको तकलीफ नहीं है। हम लोग एक दो बच्चों को जन्म देते इतना तकलीफ उठाते हैं। हमेशा बुद्धि हम लोगों की विक्षिप्त जैसे होते, टेंशन में रहते हम लोग। महाराज जी हमको समाधान ही नहीं है,
घर में ऐसा हुआ करके सब के सब 900 में 99% लोग अपना जो कार्य है उसको लीला के रूप में करने वाले बहुत कम है। लेकिन भगवान लीला करके लोगों को समझा रहा है, तुम भी सहज भाव से रहो, तुम जो है ज्यादा अहंकार ममकार के घेरा में आने के कारण ये दोनों तुमको स्वस्थ बैठने नहीं देते। डीवीजी डीवी गुंडप्पा जो कर्नाटक के एक उत्कृष्ट कवि हो गए हैं, एक सुंदर मंकुतिम्मन कग्गा एक बहुत सुंदर काव्य की रचना किया है। जब किसान जमीन में बीज बोता है, बोए हुए सभी बीज अंकुरित होकर के जब आते हैं, उस समय पृथ्वी उनको जन्म देती है। सभी धवस धान्यों को जन्म देते अंकुरित कर देती है, फिर भी कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। हमारे घर में एक आधा बच्चा बच्चे का जन्म होता है, हम लोग पूरा शहर में ढिंडोरा पीटते हैं। बहुत दिन के बाद लड़का होता है तो गांव भर पेड़ा बांटते हैं, अपेक्षित लड़की हो गई तो जिले भी बांटा जाता है। इस प्रकार खुशी मनाते हम लोग, और कुछ गड़बड़ हो गए तो रोते बैठ जाते हैं। इसलिए कहता है वो वाले निन्न तुटिगड़नु मंकुतिम्मा, तुम अपने ओट को सील कर लो, प्रकृति को देखो, कुछ भी नहीं बोलता है वो, जो भी करता है तो शांति से करता है, एक शब्द नहीं निकालता है। तुम्हारा शोर इतना हो गया है, प्रकृति में शोर मचाने वाले केवल मनुष्य ही, बाकी प्राणी कोई शोर नहीं मचाते, शांति से रहते हैं। तो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि के रचना आदि लीला करके जीव को बताता है, तुम भी सारे क्रियाओं को लीला समझ करके स्वभाव से सहज से रहने का अभ्यास करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए भगवान अनेक प्रकार के लीला करता है। वैसे एक प्रत्येक उनके एक एक लीला के बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है। आज की लीला है गजासुर सूदन लीला। गजासुर नामक राक्षस का भगवान वध करके उनके चर्म को अपने वस्त्र के रूप में धारण करता है। इसमें जो कथा आती है वही कथा जो है उनकी लीला के रूप में कहा जाता है। तो वीरभद्र शिवाचार्य इसके बारे में लिखते हैं, कावेरी जन्म शैले कृत तपस्य मुनौ कुंभयोनौ कदाचित गंधर्व कोपि गच्छन् गगन भूमि सह रुह्य वध्वा विमानम् तस्या मूर्धस्य माल्याम् तदुपरि विसृजन् गर्वतस्तेन कोपात् शप्तो मत्तो गजस्सन् त्रिजगद अभिभवन दुर्जयो भूदृशाद्यैः। एक सुंदर प्रसंग यहाँ पर स्मरण करते हैं। हमारा जो देश है ऋषियों का देश है,
एक नहीं दो न हजारों लाखों महर्षि इस भारत भूमि में जन्म लेकर के घोर तपश्चर्या करके अनेक शास्त्रों का आविष्कार किए हैं। ऋषि महर्षियों का जो जीवन था, उनका जीवन तपोमय जीवन था। तपश्चर्या करते थे, कठोर तपश्चर्या करके अनेक सिद्धियां भी प्राप्त होती थी और अपने अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के द्वारा खुद भी जीवन मुक्त होते थे और लोगों को भी जीवन मुक्ति का उपदेश प्रदान करते थे। इस प्रकार के अनेक महर्षियों में एक ऋषि था, उनका नाम अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि बहुत प्रभावी रहे। सिद्धांत शिखामणि में जब अगस्त्य और रेणुकाचार्य जी का अगस्त आश्रम में जब संबंध होता है, उनका स्वागत होता है, विंध्यो निरुद्धो भवता विश्वोल्लंघन विभ्रमः। नहुषो रोषलेशात्ते सद्य सर्पत्वमागतः। दृप्तो वातापि दानवः दग्धो तव जाठरे वन्हौ। अनेक उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। विंध्य नामक पर्वत जो था, अगस्त्य का शिष्य था, उनके मन में एक विभ्रम हो गया, मुझे बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। तो बढ़ते 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 बढ़े इतना बढ़ गया कि सूर्य चंद्र का प्रकाश भूमि पर पड़ना मुश्किल हो गया। पूरी पृथ्वी अंधकार से छा गई। कोई जाकर कहने पर भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अरे तुम्हारे बढ़ने से तुमको अच्छा लग रहा हो, लेकिन सारा संसार का दैनंदिन क्रिया बंद हो रहा है। इसलिए अपने अभिवृद्धि चाहने वाले को दूसरों का भी अभिवृद्धि तरह देखना चाहिए। तुम केवल तुम्हारा देख रहे हो, संसार के सभी प्राणी अंधकार में बैठे, इसलिए तुम अपना बढ़ना बंद कर, इतना बढ़ करके क्या करोगे, प्रयोजन क्या है? न तुमको प्रयोजन है न जगत को प्रयोजन है। फिर भी नहीं सुना। बाद में सब लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं, कहते हैं ये आपका शिष्य है, केवल आपका ही सुन सकता है, दूसरा किसी का नहीं सुनता है। शास्त्रों में कहा गया है किसी के भी आज्ञा उल्लंघन करने के भी चलेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो सिद्धि का इच्छा करता है, सिद्धि कामी, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तब सभी देवी देवताओं का सुनकर अगस्त जब विंध्य पर्वत के पास आता है, इतना आकाश भूमि एक होकर के, इतना विशाल काय होकर के खड़ा था। हमारे संस्कृति कहते जब गुरु अपने सामने आते तो उनको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात में साष्टांग नमस्कार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये शिष्टाचार उसको मालूम था। अगस्त्य के सामने पूरा जितना ऊंचा गए थे उतना पूरा जमीन पर गिर करके साष्टांग नमस्कार किया। सब के लिए खुशी हो गई। सूर्य चंद्र का प्रकाश सब तरफ फैलने लगा,
लोगों को बहुत दिनों के बाद प्रकाश का अनुभव होने लगा। सब संसार का आनंद देख करके ऋषि ने उनको कहा, मैं थोड़ा दक्षिण में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही रहो। नमस्कार का ये नियम होता है कि गुरु के सामने नमस्कार करने के बाद गुरु जब तक उठो नहीं बोलता तब तक उठना नहीं चाहिए। तब विंध्य पर्वत तब से जो सो गया अभी तक को सोया हुआ ही है, ऐसे महिमाशाली अगस्त्य था। और नहुष राजा को शाप दे करके सर्प का रूप उनको दिया था। एक वातापी नामक जो राक्षस था उस समय, वो नरभक्षी राक्षस था, लेकिन उनका एक युक्ति थी। लोग आते जाते रास्ते में एक अन्न छत्र खोल करके बैठता था, जो भी आने जाने वालों को बुलाता था, आइए खाने के लिए आइए, फ्री में भोजन देता हूँ। उन सबको खाना खिलाता था, पानी पिलाता था और अन्न के रूप में उनके पेट में प्रवेश कर जाता था। जैसे उनका पेट अन्न से भर जाता था उसके बाद वो बोलता हाँ बस हो गया, तब तक अंदर वो पेट को फुला देता था, फुलाता फुलाता, जैसे हम फुग्गा को हवा से फुलाते हैं, जैसे जोर हवा भरने से वो फूट जाता है, उसी प्रकार आया हुआ उस अन्न को खाया हुआ व्यक्ति का पेट फूल फूल करके फट जाता था, फिर बाहर आ करके उसी को खाता था। ऐसे नरभक्षी राक्षस जब उस रास्ते में बैठा था, उसी रास्ते से एक बार जो है अगस्त्य ऋषि जा रहा था, उनको भी बुलाया, स्वागत किया, वो भी सहज आए। जब तक पूरा अपने लक्ष्य दे करके नहीं देखते उनको भी समझ में नहीं आता, सहज रहते हैं। आया, अपने पूजा किया, खाने में के लिए बैठा। वातापी और इलवल दो राक्षस रहे। इलवल जो है अन्न में प्रवेश किया था, वातापी पानी में बैठा था, उनके कमंडल पानी में प्रवेश किया था। जैसे जैसे एक एक घास खाता गया अगस्त्य ऋषि, उसका पेट फूलने लगा। सॉरी, हम अभी दो तीन घास खाया है तो पेट कैसे फूलता है? तब अपने ज्ञान दृष्टि से देखा, ये दोनों राक्षसों की लीला उनको मालूम हुआ। तो बगल में भस्म था, उस भस्म को हाथ को लगाया, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप किया, ओ भस्म का हाथ पेट पर ऐसे घूमते हुए भस्मी भव ऐसे बोल दिया, तो एक राक्षस पेट में ही भस्म हो गए। इस परिस्थिति को देखता हुआ जो पानी में जो बैठा था दूसरा राक्षस, उनके कमंडल पानी में प्रविष्ट था, तो वहां से भागने लगा। भागने लगा मतलब उसका कमंडल ही भाग रहा था आकाश में। अगस्त्य को मालूम हुआ और एक बचा हुआ है, उसके पीछे पीछे दौड़ते गए दौड़ते गए। उन्होंने सोचा मेरी रक्षा कौन कर सकता है? छोटे मोटे तालाब में मैं गिर जाऊंगा, ये पानी पी करके मुझे खत्म कर सकता है, इसलिए अथाह पानी का आगर का मतलब सागर होता है, वो जा करके समुद्र में गिर गया। समुद्र में कहाँ ढूंढेंगे मुझे? अगस्त्य ने देखा इसको ढूंढते कहाँ जाना है। बहुत सिद्ध होने के कारण उन्होंने वहाँ संकल्प किया, सारे समुद्र का पानी हमारे
अंजलि में आ जाना चाहे संकल्प किया, पूरा समुद्र का पानी उसके अंजलि में आ गए। इतना बड़ा स्वरूप उनका धारण किया, बाद में उस पानी को पी करके उसको भी वहाँ भस्म कर दिया। ऐसे शापानुग्रह समर्थ और महाज्ञानी आगम वेदों का महाज्ञानी था, साक्षात कार्तिकेय शिव का पुत्र के द्वारा उनको उपदेश भी हुआ था पहले, बाद में रेणुकाचार्य का उपदेश हुआ है। ऐसे महाज्ञानी अगस्त ऋषि मलय पर्वत पर तपश्चर्या करते रहे। उस समय एक गंधर्व दंपति आकाश में विमान में पुष्पक विमान में बैठ करके ऐसे विलास व्यवहार करते हुए जा रहे थे। दोनों कामांध थे और उसी में मत हो करके दोनों क्रीड़ा करते करते आकाश में जाते समय गंधर्व के पत्नी के केश में कुछ फूलों का अलंकार हुआ था। इन्होंने उनके मस्तक पर हार फेरते फेरते उसका जो मस्तक में जो फूल था उसको निकाल करके अपने हाथ में लिया। नीचे देखा है तो एक ऋषि तपश्चर्य करके बैठा था। उनके मन में ऐसे भाव आ गए कि इस ऋषि के साथ कुछ चेष्टा करना चाहिए। उन्होंने उसके पत्नी के केस में लगाए हुआ जो पुष्पमाला थी उसको निकाल करके मदोन्मत्त अवस्था में अगस्त्य ऋषि के मस्तक पर फेंक दिया। ऋषि के मस्तक पर जब फूल गिरा तो ऊपर देखता है तो गंधर्व अपने पत्नी के साथ मस्त खेलता हुआ इधर उधर कुछ फेंकता रहा। तब अगस्त ने सोचा, अरे ये तो गंधर्व का वेश धारण किया है, गंधर्व योनि में है, लेकिन गंधर्व योनि में रहते हुए गंधर्व जैसे रहने का इसका स्वभाव नहीं है, मदोन्मत्त हाथी के जैसे ये उच्छृंखल व्यवहार कर रहा है। तब उन्होंने वहीं से उनको शाप दे दिया, तुम इतना मदोन्मत्त हो, उस मद के मस्ती में तुम क्या कर रहे हो तुमको मालूम में नहीं हो रहा है। तुम्हारे पत्नी में पत्नी के केश का जो फूल एक तपस्वी के अंग पर फेंक करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे जो मस्ती है तुम्हारे शरीर में जो मद है उसके कारण तुम मदोन्मत्त हाथी के रूप में राक्षस रूप में तुम्हारा जन्म हो जा, ऐसे उन्होंने शाप दे दिया। तो समय महिषासुर नाम के एक राक्षस था। राक्षस होने का शाप देने के बाद उसी महिषासुर के घर में संतान के रूप में उनकी उत्पत्ति हो जाती, पैदा हो जाता है। पैदा होते इतना विशाल काय का था वो, पुराणों में उसके लंबाई चौड़ाई के बारे में बताते हैं, उसका शरीर की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, बताते हैं 9,000 योजन, 9,000 योजन लंबाई चौड़ाई था उसका शरीर का। हमने उसको हिसाब के यहाँ एक योजन का अर्थ होता है 12 किलोमीटर। पहले जमाने में योजन से व्यवहार होता था, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 9,000 योजन का कितना किलोमीटर होता है,
108,000 किलोमीटर होता है, अर्थात उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई जो है इतना स्क्वेयर किलोमीटर 108,000 स्क्वेयर किलोमीटर उसका शरीर की लंबाई चौड़ाई के नाप थी, इतना बड़ा शरीर उसका था। उसके इतने बड़े आकार को देखने के बाद उसको नामकरण हुआ गजासुर नाम, उसको नामकरण हो गया गजासुर। तो असुर योनि में जन्म हुआ ऋषि का शाप भी था। प्रायः जो असुर जाति है वो ज्यादा से ज्यादा रजो तमोगुणी का स्वभाव होता है उसका। रजोगुणी तमोगुणी का व्यक्ति का क्या कार्य होता है, खुद सुख से रहे दूसरा सुख न भोगे, केवल मैं सुखी रहूं संसार के सब लोगों को मैं दुख प्रदान करूं, ऐसा उनकी प्रवृत्ति। तो जितने भी राक्षस हमारे पुराणों में वर्णित है सभी राक्षस इसी प्रकार का व्यवहार किए, तपश्चर्या करने में एक नंबर के होते थे। कितना दिन उपवास करना, एक पैर पर खड़े होकर के तपश्चर्या करना, शीर्षासन पर खड़े होकर के तपश्चर्या करना, अर्थात अत्यंत असाध्य हठयोग साधना करके वो तपश्चर्या करते थे। और तपश्चर्या का फल क्या होता था उनका, भगवान से मांगते थे मैं अमर रहूं और सबको मैं मार डालूं, केवल मैं अकेला रहूं, इतना स्वार्थ उनका रहता था। जितने भी राक्षस थे सब लोग यही मांगते थे, हमको मरण नहीं मिलना, हम हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं। हमेशा रहने की जो भावना है हर एक जीव की भावना होती है, क्योंकि हर एक जीव पंच क्लेशों से युक्त होने के कारण, हमने परसों भी कहा है पंच क्लेशों में एक क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मेरा मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का जो हट है जो जिद है उसी का नाम अभिनिवेश है। वैसे देखा जाए वो सदा अमर होना चाहता है, लेकिन अमर अमरत्व क्या है उसको समझता नहीं है। जो मरणशील शरीर है उसको लेकर के अमर होना चाहता है। मरणम प्रकृति ही शरीर नाम विकृतिर जीवन मुच्यते। मरण जो है शरीर का स्वभाव है। जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु, जब शरीर का जन्म होता है एक दिन शरीर मरता भी, क्योंकि जनन मरण शरीर का धर्म माना गया है। हमारे शरीर में नहीं मरने वाला भी एक तत्व है, उसी को शास्त्रकारों ने आत्मा कहा है। मरणशील शरीर में एक अमर तत्व भगवान ने रखा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, उपनिषद में कहा गया है भगवान जो है एक सोने के पात्र में सत्य को छिपा के रखा है। सत्यम पूषण अपावृणु, उस सोने के पात्र का जो ढक्कन है उसको थोड़ा हटा करके तुम अंदर झांक के देखो, तुमको सत्य का पता लगेगा।
लेकिन हम सब लोग सोने के पात्र से ही मोहित हो करके उसी की सेवा करते रहते हैं। उसके अंदर क्या है हम लोगों को देखा नहीं। इसलिए शरीरात्म विवेकेन पिंड ज्ञानी स कथ्यते। शरीर और आत्मा का जब विवेक करेगा तभी जो है अनात्म तत्व छोड़ करके आत्मा क्या उसको समझ में आता है। एक वचनकार कहता है मरदोलगे मंदाग्निय उरियदंतिरिसिदे नोरेवालोलगे तुप्पवा कंपिल्लदंतिरिसिदे। ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನನು ಆರೂ ಅರಿಯದಂತಿರಿಸಿದೆ ನೀನು ಬೆರಸಿದ ಭೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆರಗಾದನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥ. ದೇವರ ದಾಸ್ಯಮಾರ್ಯ ನಾಮಕ ಸಂತನ ಬಹು ಸುಂದರ ಢಂಗಸೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಕ ಕರ್ತ ಮರದೊಳಗೆ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿರಿಸಿದೆ. वृक्ष में अग्नि भगवान ने रखा है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन जलता नहीं है। जब दो लकड़ी ले करके आप उसका घर्षण करेंगे आग प्रकट हो सकता है लेकिन रहते हुए भी नहीं रहने जैसे दिखाई देता है। नरेवालोलगे तुप्पवा कंपिल्लदंतिरिसिदे ये सबका अनुभव का वस्तु बताते हैं। जैसे गाय का या भैंस का दूध आप निकालते हैं उस दूध में घी है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता और सूंघने पर घी का वास भी नहीं आता। दूध में घी है लेकिन उसका गंध नहीं आता। तो कहते हैं दूध में भगवान ने तुम घी रखा है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। नरेवाल ओड़गे तुप्पवा कंपिल्लदंतिर से आप जब मक्खन निकाल करके उसको तपाते हैं तो पूरा घर भर उसका वास आता है लेकिन दूध को सूंघने से वास नहीं है। तो उसी में है छिपा है लेकिन घी का वास नहीं आता। उसी प्रकार बोलते हैं शरीर दोड़गे आत्मननु आरु अरियदंतिरिसिदे। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में आप आत्मा को रखा है लेकिन कोई जानता नहीं है। सब लोग अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, सदा सदा रहना चाहते, अमर होना चाहते लेकिन अमर कैसे होगा? आत्मा को जानने से अमर हो सकता है, आत्मा को नहीं जाने से अमर नहीं होगा। लेकिन हर एक जीव जो है शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं करता इसलिए उसको अमर होने की इच्छा है। आत्मा अमर है लेकिन आत्मा को भूल करके जो शरीर दिखाई देता उसके साथ अमरत्व भावना रख करके नहीं मरने का जिद्द करता। हर एक जीवात्मा जिद्द करता है। कितना भी तकलीफ रहे, रोगों से ग्रस्त रहे, दवा करके वो करके ये करके रहना ही चाहते हम लोग, मरना नहीं चाहते। एक बुढ़ी थी एक गांव में, अकेले रही, जंगल में लकड़ी काट काट करके बेचकर अपना पेट पाल देती। रोज जंगल में जाना, लकड़ी काटना, उसको सिर पर ले आना, बेचना, अपना जिंदगी बिताना। एक बार बूढ़ी माँ गई जंगल में, उसको ढेर सा लकड़ी मिल गया, बहुत लकड़ी मिल गया। लालच के कारण पूरा इकट्ठा किया, बहुत बड़ा उसका गठोड़ा भी तैयार किया। उसको उठाना चाहता है तो उठता नहीं
70-80 साल की बुढ़ी है, उसके शक्ति से बाहर हो गया वो गठोड़ा, तो उस समय उसके मन में एक प्रकार खेद भावना आ जाते, तो बोलते हैं यमदेव क्या मुझे भूल करके तुम कहाँ बैठे हो, मेरी अवस्था इतनी हो गई है फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, क्यों मुझे नहीं ले जाते हो, ऐसे वो यम को आवाहन किया। योगायोग था वही उसी समय आकाश मार्ग से यमदेव किसी को लेने के लिए जा रहा था, उन्होंने सुना अरे संसार में मुझे बुलाने वाला आज तक कोई आदमी नहीं मिला है, मुझे ही जबरदस्त जा कर के लेना पड़ता है, लेकिन ये बूढ़ी कितनी अच्छी है मुझे बुला रही है, इसलिए उस आदमी को बाद में ले जाएंगे, पहले इसी को ले जाएंगे करके सीधा वहीं उतर गया। उतर करके बूढ़े के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े ने पूछा आप कौन हैं? अरे अभी अभी मुझे याद किया, मैं मृत्युदेव हूँ, संसार के सभी लोगों को मृत्यु देने वाला मैं मृत्यु हूँ, यम धर्म हूँ। तो फिर क्यों आए? अरे तुमने अभी तो बुलाया है ना मुझे, इसे तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। और बुढ़ी कहती है तुमको मुझे ले आ जाने के लिए नहीं बुलाया, इस जंगल में इसको मेरे सिर पर रखने के लिए दूसरा कोई आदमी नहीं था, इसलिए तुम्हारा याद किया है, आया बहुत अच्छा है, इसको मेरे सिर पर रख के जाओ। तो बेचारा यम को उसके सिर पर गठोड़ा रख करके वापस जाना पड़ा, ऐसी एक कथा है। ये कथा केवल एक बूढ़ी की नहीं है, हम सब लोगों की यही कथा है। वो आता है ले जाता है तो हमको चुपचाप मालूम नहीं पड़ता, यदि वो पहले बोल करके आएगा तुम तैयार हो जाओ, हम लोग तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे इच्छाएं आकांक्षाएं अभी बहुत रहती है। ययाति राजा की कथा आप लोगों को मालूम होगा, ययाति राजा 100 साल का हो गया था, उसको लेने के लिए यम आया, चलो तुम 100 साल जिंदगी तुम्हारे हो गए, तुमको लेने के लिए मैं आया हूँ, चलो। ययाति राजा ने यम से कहा मेरे ऊपर कृपा करो, थोड़ा सा मेरा कार्य बचा हुआ है, इसलिए किसी न किसी ढंग से मुझे थोड़ा आयु प्रदान करो, उसके बाद फिर ले आओ जाओ। उन्होंने कहा आयु मुझे देना नहीं आता, जो दिया है वैसे से समाप्त होने का मुझे ले जाना है, तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं उन बेटों में यदि कोई अपना आयु तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार होगा तब मैं उसके आयु को तुमको जो है प्रत्यारोपण करके उनको ले जाऊंगा, तुमको छोड़ के जाऊंगा। उस समय उनको बहुत सारे 60-70 बच्चे रहे, बड़े बड़े बच्चों से पूछा तुम अपने बचे हुए जिंदगी को आयुष्य को देते हैं क्या? वो बोले अरे तुम इतने उम्र के हो गए तुम्हारे अपेक्षा पूरा नहीं, हम तुमसे छोटे हैं, हमारा भी कैसे पूरा हो जाता, इसलिए हम नहीं देंगे। अंत में 10-15 साल का उसका छोटा सा बच्चा रहा, उनको जा कर के पूछा तुम अपने उम्र को मुझे देते हो क्या? वो बच्चा कुछ समझा नहीं, वो बोले हाँ देता हूँ। तुरंत यम को बोला देखो ये देने के लिए तैयार है, तुम्हारे उम्र को तुम्हारे पिता को दोगे क्या?
हाँ दोगे देंगे बोला। यम ने उनके आयु इनको दिया, इनकी मृत्यु उनको दिया, बच्चे को ले गया, बाप को छोड़ के चला गया। इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार आया गया, 1000 साल तक रहा बच्चों के आयुष्य को लेकर के। जब 10 बार पूरा होने के बाद, 1000 साल होने के बाद जब फिर यम आया, उस समय उन्होंने कहा, तुम पहली बार जब आए थे मुझे लेने के लिए, मेरे मनस्थिति उस समय जैसी थी इस समय भी वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। इसलिए वो कहता है, नजात काम कामानाम उपभोगेन श्याम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। संसार के जो कामनाओं को भोगने की जो इच्छा होती है वो भोगने से कम नहीं होती, भोगने से अधिक बढ़ जाती है, ऐसा उनको मालूम हो, बाद में उनको शरीर छोड़ा, ऐसी कथा है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, संसार उसी प्रकार सभी राक्षस गण, जैसे भगवान देव के प्रति, ब्रह्मा के प्रति तपश्चर्या करते थे और उनसे वर मांगते थे, उसी प्रकार ये जो गजासुर था, इनके मन में एक ईर्ष्या भाव आ गया कि मेरे पिता जो महिषासुर था, उस महिषासुर को जो दुर्गा सभी देवी देवताओं को शक्ति सामर्थ्य पाकर हमारे पिता का वध किया है, इसलिए सभी देवी देवताओं को हरा करके मेरे पिताजी का जो बदला है उसको मुझे लेना चाहिए, इसलिए मुझे कठोर से कठोर तपश्चर्या करना चाहिए। तब अरण्य में जा करके बहुत घोर तपश्चर्या करना शुरू करता है। जब जब राक्षसगण तपश्चर्या करना शुरू करते, सभी देवी देवता डर जाते हैं, कांपने लगते, अरे हमारा विपत्ति आ गई। तब उस समय इंद्र, यम, अग्नि, वायु सभी देवता घबरा गए इसके तपश्चर्या देख करके। सब लोगों ने अपना अपना अस्त्र अस्त्र प्रयोग किया उसके ऊपर मार डालने के लिए। इंद्र ने अपने वज्रायुध का प्रयोग किया गजासुर के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ। वायुदेव संपूर्ण अपने शक्ति का प्रयोग किया उसको उड़ा जाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अग्निदेव अपना प्रयोग किया लेकिन जला नहीं। इस प्रकार प्रत्येक भूताधिपति उसके ऊपर जो है अपना शक्ति का प्रयोग किए, उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, वो अखंड पर्वत के जैसे स्थिर होकर के तपश्चर्या करता रहा। तब सारी देवी देवता चिंतित होकर, इसको कैसे इसका तपश्चर्या भग्न करना। तब इंद्र के मन में आया, बड़े बड़े तपस्वियों के तपो भग्न करने के लिए हम लोगों ने अपने लोक के अप्सराओं को भेजते रहे, उसी प्रकार इसके तपश्चर्या भग्न करने के लिए भी अप्सराओं को भेजा जाए। जितने भी स्वर्ग में अप्सराएं थी सभी लोगों को उनके ऊपर छोड़ दिया, तुम जाओ, तुम्हारे हाव भाव नृत्य नर्तन से उनका मन को हर करके उनके तपश्चर्या भंग करो। सभी अप्सराएं आए, नृत्य किया, फिर भी आंख नहीं खोला, अपना कोर तपश्चर्या में मग्न था।
तब सभी अप्सराएं ऊपर जा करके, पर्वत के ऊपर जा करके उसके अंग के साथ जब लिपटने गए, उस समय वो क्रुद्ध होकर के एक एक अप्सरा को उठा उठा करके फेंका, सब समुद्र में जा करके गिर गए। अब जो है सभी देवी देवताओं का विघ्न करने का जो शस्त्रास्त्र था उनके पास, सारा विफल हो जाने के बाद सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। आपका ध्यान करते हो, तपश्चर्या करे से तुम मत जाओ, उनको वरदान मत दो, तुम्हारे वरदान से ही शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसलिए तुम वरदान मत देना। ब्रह्मा ने कहा, कोई तपश्चर्या कर रहा हो और मैं जा करके वरदान नहीं दूंगा तो मैं ब्रह्म स्थान पर बना नहीं रह सकता, इसलिए उनकी जो तपश्चर्या हो मुझे बाध्य कर रहा है जाने के लिए, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं बैठ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी गए वरदान देने के लिए। गजासुर, तुम जिसका नाम जप करते हुए तपश्चर्या कर रहे हो, मैं ब्रह्मदेव आ गया हूँ, आंख खोलो, देखो तुमको क्या चाहिए, मांगो। उस समय गजासुर आंख खोला, ब्रह्मा जी को बोलने लगा, देव मैं इतने देर से खड़ा होकर के तपश्चर्या कर रहा हूँ, आपको इतनी देरी से क्यों आए, जल्दी क्यों नहीं, जब आना ही था जल्दी क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा, तेरी तपश्चर्या कितना गहरा है और जितना देर तुम तपश्चर्या करोगे उतना अधिक तुमको फल देने के उद्देश्य मैंने देरी किया, इसलिए तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। सभी राक्षस जैसे मांगते थे वैसे इन्होंने बोला कि मुझे अजर और अमर बना दो, मुझे सभी देवी देवताओं के, हमारे पिता का हत्या का जो कांड किए हैं उसका प्रतिशोध मुझे लेना है, इसलिए मुझे अजर अमर करो, किसी भी देवी देवता मुझे मार न सके। ब्रह्मा ने कहा, अजर अमर वरदान किसी को दे नहीं सकते, लेकिन तुम किससे मरना नहीं चाहते उतना बताओ। तब गजासुर ने सोचा, क्या वर मांगना चाहिए, जिस वर मांगने से मेरे मृत्यु भी नहीं होना चाहिए, मैं अमर हो जाऊं। तब गजासुर ने कहा, इस संसार में जो व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति मुझे मारे तो मुझे मरना आना चाहिए, नहीं तो मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। उन्हें सोचा, संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कामाधीन नहीं है, इसलिए सभी कामाधीन ही होते हैं तो मुझे मारने के लिए कोई नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सोचा थोड़ा हंसा, आशीर्वाद ही देता था अस्तु। तब हंसने लगा, आपने मुझे अमृत वरदान नहीं देने के लिए बोले थे, फिर अमृत वरदान हो गए मुझे। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, समय आने पर तुमको पता लगेगा। जब उसको इतना बड़ा वरदान मिल गया तब अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जा करके अपने तपश्चर्या का वरदान का जो मिला तो उसको बताए, देखिए ब्रह्मा जी भूल से हमको वरदान दे दिया कि मैं अजर अमर हो गया हूं। शुक्राचार्य के, तुमको वरदान क्या मांगा तुमने, मैंने मांगा था जो व्यक्ति
काम पर विजय प्राप्त किया है, केवल वही व्यक्ति मुझे मार सकता है। मैंने सोचा संसार में ऐसे एक भी प्राणी मिल नहीं सकता। उन्होंने तथास्तु बोला, इसलिए मैं अजर अमर हो गया हूं। शुक्राचार्य बोलते, अरे तुम जानते नहीं, संसार में सभी लोग कामासक्त जरूर है, लेकिन एक भगवान भोलेनाथ जो शिव है, काम का दहन किया है, काम का विजय प्राप्त करने वाला एक देव है। तेरे मृत्यु होगी तो भगवान शिव के द्वारा ही होगा, और दूसरा किसी के साथ नहीं हो सकता है। तब गजासुर प्रत्येक देवी देवताओं के ऊपर युद्ध किया, सबको हराया। बाद में उनके जो मन में जो द्वेष था त्रिदेवों के और त्रिदेवों की शक्ति के ऊपर, पार्वती सरस्वती लक्ष्मी ये तीनों मिल करके दुर्गा रूप धारण करके मेरे पिताजी का वध किया है, उनसे बदला लेने के लिए पहले ब्रह्मलोक में गया और सरस्वती को मारने गया, लेकिन सरस्वती के द्वारा तिरस्कृत होकर के वापस आया। वैकुंठ गया लक्ष्मी को मारने के लिए, वहाँ भी तिरस्कृत हुआ। उसके बाद कैलाश में गया, पार्वती से भी मार खा करके वापस आया। पूरा शरीर जो है घावों से भरा था। तो शुक्राचार्य ने बोला, तुमने त्रिदेव की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर तुमको जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मेरे पास संजीवनी मंत्र की विद्या है, तुम्हारे सारे घावों को सब मैं दूर करता हूँ करके उन्होंने संजीवनी से उनको पूरा स्वस्थ किया। उसके बाद अब तुमको युद्ध करना होगा तो केवल भगवान शिव से ही करना है, क्योंकि वही तुम्हारा उद्धार करने वाला है। तो भगवान शिव के पास नारद जाता है, जा करके बोलता है, देखिए इतना बड़ा तपश्चर्य करके गजासुर इतना वर मांगा है, लेकिन उसके मृत्यु आपके हाथों होना है, लेकिन आप इसको संहार करो। भगवान शिव ने बोला, जब तक कोई राक्षस बहुत बड़ा अपराध नहीं करता तब तक मैं उसको मार नहीं सकता। इसलिए उनको अपराध इतना तो किया है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध उनसे हो, इस प्रकार का तुम कुछ युक्ति करो। उस समय काशी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ चलता रहा। हमारे देश के बहुत सारे हजारों विद्वान, वैदिक विद्वान, उस यज्ञ में आकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, काशी भगवान शिव का नित्य निवास नगरी है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अन्य अन्य क्षेत्रों में यज्ञ करने के अपेक्षा काशी क्षेत्र में करने के उद्देश्य वो लोग यहाँ करके यज्ञ करते रहे। तब ये नारद जी गजासुर के पास गया, देखो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाले ऋषि महर्षि देवों को आहुति देने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ का फल जो है इंद्र को जाता है, कुबेर को जाता है, अग्नि को जाता है, वरुण को जाता है, फिर वो यज्ञ फल दे करके फिर सशक्त हो जाते। इसलिए तुम क्या के काम करो, इस यज्ञ को ध्वंस करो और साथ ही साथ काशी में जितने भी ब्राह्मण विद्वान यज्ञ में सहभागी है उन सबको मार डालो। तब जो यज्ञ ध्वस्त हो जाएगा तो देवी देवताओं को उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो उद्दिष्ट है वो पूरा हो जाएगा। तब उसको अच्छा लगा,
आया काशी, इतना बड़ा शरीर लेकर के जब गजासुर काशी में आया तो वर्णन करते हैं जैसे जैसे इतना जो है 9000 स्क्वेयर फीट स्क्वेयर किलोमीटर 9000 स्क्वेयर किलोमीटर अर्थात 108000 किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर लेकर के, वैसे तो पृथ्वी जो है सारी पृथ्वी नहीं हमारा भारत जो है 32,87,263 किलोमीटर उसका स्क्वेयर व्याप्ति है, उसमें 108,000 स्क्वेयर मीटर का शरीर लेकर के वो आता है गजासुर। एक एक पैर रखते भूमि कांपती थी, इतना वजन उसका था। पर्वत जो है हिल डुलने लगे और पर्वत सब गिर करके भूमि के समान हो जाते रहे, इसे भयानक रूप दे करके काशी में आया। आकर के एक एक ब्राह्मण को ले ले करके उसको फेंक फेंक करके अग्नि में डाल करके उसको सब ध्वस्त किया। तो ब्राह्मण हत्या, देवों पर युद्ध करना अलग बात है, लेकिन जो ब्राह्मण जो वेद पाठे ब्राह्मण थे जो सात्विक थे किसी को कुछ दुख नहीं देने वाले केवल अपने तपश्चर्या करने वाले, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों को जब उन्होंने हत्या किया तब जय उनका जो पुण्य था वो क्षीण हो गया। तब यज्ञ ध्वस्त हो गया एक बात, फिर सभी देवी देवता भगवान से उसे प्रार्थना के देखो गजासुर जो है बहुत बड़ा अपराध किया है ब्राह्मणों की हत्या करके, इस समय आप जा करके उसका संहार नहीं करेंगे तो फिर इनको संहार होना ही संभव नहीं है। उस समय भगवान शिव जी काशी में प्रकट होते हैं, हो करके अपने जो त्रिशूल था उस त्रिशूल को उसके अंग में घुसा करके उनको पूरा पूरा आकाश में अपने हाथ में उसको खड़ा किया, इतना बड़ा शरीर वाले हाथी को उन्होंने खड़ा किया। और गजासुर जो है भयभीत होकर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मेरी मृत्यु काम पर विजय किया हुआ व्यक्ति के द्वारा ही होना था, संसार में आप ही ऐसे व्यक्ति है इसलिए मैं भी भाग्यशाली हूँ। बहुत से लोगों को मरते समय भगवान का नाम भी मुंह में नहीं आता। अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं, भगवान कहते हैं अंतिम समय में मेरे नाम स्मरण करते तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। अनेक ऋषि महर्षि नाम जब जीवन भर जप करके भी अंतिम समय उनके मुंह में नहीं आया, लेकिन मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो रही है और आपको देखते देखते मैं मर रहा हूँ और आपका नामस्मरण कर रहा हूँ, अर्थात आपका नामस्मरण करते हुए आपको प्रत्यक्ष देखते हुए शरीर छोड़ने का जो भाग्य मुझे मिला इतना भाग्य किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है एक अपेक्षा। अभी तक आपको लोग दिगंबर दिगंबर बोलते थे, आपके बदन पर वस्त्र नहीं था, अभी तक किसी ने आपको वस्त्र नहीं दिया, लेकिन मेरी प्रार्थना है मेरे शरीर का जो चर्म है उस चर्म को
आप वस्त्र बना करके उसका पहनो, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा ततास्तु, और क्या चाहते हो? मैं और एक चाहता हूँ कि आपके जो नामावली है उस नामावली में ये जो लीला है ना, इस लीला का नाम उसमें आना चाहिए। कृत्यवासहा कृत्यवासहा कृत्यवास से नमा, ऐसे हम लोग नामोड़ में बोलते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आज से कृत्यवासहा मैं हो जाऊंगा, आपका नाम आपके चमड़े के साथ मेरा नाम एक सदा रहेगा। और क्या चाहते हो? उन्होंने कहा उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मेरा चमड़ा आपके शरीर पर निरंतर सदा सदा रहता है, तो ये मेरा अमृत है। यद्यपि शरीर जो है नश्वर होने पर भी अनश्वर आपके शरीर के साथ मेरा चर्म का संपर्क होने से मेरा शरीर मेरा चर्म भी अमर हो गया, इससे यदि क्या चाहिए? भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम दो वर तुम स्वतः मांग लिया, लेकिन मैं एक वर तुमको अपने से दे देता हूँ। इस काशी क्षेत्र में तुम्हारे नाम से एक लिंग प्रसिद्ध होगा, कृत्यवासेश्वर नाम से एक प्रसिद्ध होगा। काशी में पांच लिंगों की बात आती है, कृत्यवासो मध्यमेश ओंकारश्च कपर्दिकः विश्वेश्वर इति ज्ञेयं पंचायतनमुत्तमम्। काशी में शिव पंचायतन, भगवान शिव के पांच लिंगों की प्रसिद्धि है। एक तो विश्वेश्वर आप सब जानते हैं, काशी विश्वेश्वर, इसके अलावा कृत्यवासेश्वर एक लिंग यहाँ पर है, मध्यमेश एक शिवलिंग है, ओंकारेश्वर है, कपर्दिश एक है, और विश्वेश्वर, पांच शिवलिंग जो है काशी में विद्यमान है। भगवान ने कहा ये जो कृत्यवासेश्वर है तुम्हारे चर्म को धारण करने के कारण मेरा नाम कृत्यवासेश्वर हो गया, उसका दर्शन करने से भी जैसे तुम्हारी मुक्ति हो गई वैसे सब लोगों की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार जो गंधर्व था पहले ऋषि के श्राप से असुर के रूप में जन्म लिया और तपश्चर्या करके भगवान शिव के द्वारा मृत्यु पा करके उन्होंने फिर अपने लोक में चला गया। इस प्रकार गजासुर सूदन लीला, गजासुर नामक राक्षस को संहार करके दिगंबर भगवान कृत्यवासा बन गया। इस कथा के माध्यम से हम लोगों को समझना है किसी भी बड़े तपस्वी त्यागी व्यक्तियों का बिना कारण अपमान नहीं करना चाहिए, या किसी भी बड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और शक्ति आने के बाद शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, और जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए भगवत स्वरूप में लीन होने का जो संकल्प जो है यही प्रत्येक जीव का होना चाहिए। ये बातें इस गजासुर वध लीला से हम लोगों को मालूम हो जाता है। इस पवित्र कथा को आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों का भी जीवन धन्य, ऐसे बताते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेश जाताय विश्वादिवेदाय श्री विश्ववन्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय चरवृंदवंद्याय मंगलम वर चरनेति बोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपूत देहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूल गंगाय मंगलम शिव शिवलिंग संगाय मंगलम भवमांगलांगाय शिव पिंग चोड़ाय कवितुंग शिव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेयाधि मान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सानंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम रतपापवृंदम वाराणसेनाथमनातनातम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमत् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षे अन्नपूर्णासमेत विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों के मानव धर्म के जय वागले मानव धर्म के जय वागले धर्मविंदले विश्व के शांति धर्मविंदले विश्व के शांति विश्वाराध्य
पंचम पंचाचार्य हर नम पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर 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 ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः महिमा अदो जाया पुंसपूर्णः मातो